नारायण सेवा संस्थान एवं सेवा परमो धर्म संस्थान द्वारा हृदय रोग एवं गंभीर बीमारियों से ग्रस्त निर्धन एवं असहाय बच्चों का भारत के विभिन्न अस्पतालों में निःशुल्क इलाज किया जाता है। इस कच्चे पुराने से झोपड़े में बसे इस मजबूर परिवार का दर्द ये आंखें बयां करती हैं। मेरे बच्चे के लिए मैं बहुत परेशान रहा, उसके ऑपरेशन के लिए मैंने कहाँ कहाँ लोगों से बहुत गुहार की, लेकिन किसी की कोई मदद नहीं मिली मुझे। दिल में छेद है, बहुत रोई मैं इसके लिए। हमारे घर की हालत ऐसी है, अब क्या करें। पापा तो इसके बहुत बीमार रहते हैं, ऐसी हालत में समीर का इतना सारा खर्चा कैसे कर सकती हूँ मैं। गरीबी से त्रस्त ये बेबस आंखें अपने नन्हे मासूम बच्चे की बीमार जिंदगी का दर्द देखकर पथरा गई हैं, जो अपने टूटे हुए आशियाने की मरम्मत भी करा पाने में असमर्थ था। वो अपने बच्चे की दिल की बीमारी का इलाज करा पाता तो कैसे। आज हमारा टूटा हुआ मकान है सर, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ सर। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, यह हालांकि काफी रेयर है, और जब यह डिफेक्ट बहुत छोटा होता है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का मतलब है दोनों जो हार्ट के चैम्बर्स हैं, दोनों एट्रिया हैं, दाएं और बाएं, दोनों के बीच में पूरा सेप्टम नहीं हो और बीच में डिफेक्ट हो, तो पल्मोनरी आर्टरी का कंजेशन होना शुरू हो जाता है, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन होनी शुरू हो जाती है। इसके कारण क्या है कि बच्चे के अंदर कंजेशन हो जाता है और बच्चे में बार बार खांसी जुकाम होने के सिम्टम्स होने लग जाते हैं। सेवा परमो धर्म की पहल पर नन्हे समीर को बेंगलोर के नारायण हृदयालय ले जाया गया। दादा कान लखानी के सहयोग से निशुल्क लंबे और मुश्किल ऑपरेशन के बाद समीर की जिंदगी बच गई। हमारा ऑपरेशन मतलब बहुत वहां पे कामयाब हुआ, और ये उदयपुर प्रशांत जी सर की वजह से हमारा इतना बढ़िया काम हो गया कि आज हम मतलब बहुत सुखी हो गए। बच्चे की न तो कोई परेशानी रही है हमारे लिए जिंदगी में। मैं चाहता तो भी मतलब ये इलाज या ऑपरेशन मतलब कभी नहीं करवा पाता। बहुत अच्छा लगता है इसका इलाज हो चुका, अब समय ठीक हो गया हमारा। हम बहुत शुक्रगुजार हैं